नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। और एक बार फिर मेरे साथ अमोघ लीला प्रभु हैं। अमोघ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमोघ जी, भक्ति तो बहुत सीरियस चीज़ है, मतलब आसानी से नहीं मिलती। और इस्कॉन वाले जब देखो नाचते गाते रहते हैं, ऐसे कैसे? एक्चुअली वैसे तो ऐसा नहीं कि इस्कॉन वाले सिर्फ नाचते गाते रहते हैं। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवतम की और भगवद गीता की क्लासेज भी होती हैं सुबह और शाम, और ऑनलाइन भी आप देखें बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि इस्कॉन के द्वारा रन किए जाते हैं। और चाहे वो उसमें कॉन्ग्रीगेशन हो, यानी गृहस्थास हो, यूथ हो, बच्चे हों, टीनेजर्स हों, इन सब के लिए स्पिरिचुअल क्लासेस भी दी जाती हैं। इसके अलावा प्रसाद वितरण भी इस्कॉन करता है। इनफैक्ट इस्कॉन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर है फॉर बीइंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्योर वेजिटेरियन फूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। शुद्ध शाकाहारी भोजन बांटने में सबसे दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है इस्कॉन। जितना हम खिलाते हैं उतना कोई नहीं खिलाता, बहुत प्रसाद खिलाते हैं। तो कोई सोचे इस्कॉन वाले से यही करते हैं, नाचना गाना ही करते हैं? सर, प्रसाद ही बांटते हैं हम लोग, शिक्षा भी देते हैं लोगों को। बल्कि जो ट्राइब्स हैं जिनको जिनकी और कोई ध्यान नहीं दे पाता अक्सर, वहाँ पर भी जाते हैं हमारे इस्कॉन के डिवोटीज, और वहाँ पर जाकर के उनकी हेल्प भी करते हैं, उनके लिए फंड रेजिंग करते हैं, डोनेशंस उनके लिए रेज करते हैं, उनको शिक्षा के लिए स्कूल भी खुलवाते हैं। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो आप जा सकते हैं tribalcare.org, वहाँ पर हमारे भक्ति पुरुषोत्तम महाराज वो जो ट्राइब्स हैं उनकी भी सेवा कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी फार्म कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर कि एक्चुअली जो फार्मर्स को हमारे एंशियंट वैदिक तरीके थे खेती करने के, जाते जिसमें ज़्यादा उपजाऊपन होता है, वो उन एंशियंट तरीकों को भी सिखाने का कार्य करता है इस्कॉन। साथ ही हमारे इको विलेजेस भी हैं जहाँ पर कि हम लोग वैदिक कल्चर के साथ ब्लेंड करके मॉडर्निटी को लोगों को धीरे धीरे करके वैदिक कल्चर की ओर लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। जैसे हमारे गोवर्धन इको विलेज है, वहाँ वो भी कार्यरत है, तो वहाँ पर भी कई विदेशी लोग भी आते हैं। वी आर ऑल्सो मेकिंग वन रिट्रीट सेंटर इन ऋषिकेश, ताकि विदेशी लोग आए तो हमारे भक्ति के कल्चर को जाने, तो उस तरह से भी कार्य कर रहा है इस्कॉन। तो इस प्रकार से विविध प्रकार के कार्यों में रत है इस्कॉन। ऐसे नहीं हम लोग सिर्फ नाचना गाना ही करते हैं, पर बात ये आती है कि नाचना गाना सही है। सो वैसे नाचना गाना भला किसने दिया है? वैसे नाचने गाना जो है कई महान संतों ने किया है। इनमें सर्वश्रेष्ठ हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो कि राधा कृष्ण का युगल रूप है। तो जब वो यहाँ पर जगत के अंदर आए थे आज से 500 साल पहले, तो उन्होंने भगवान के नाम पे नाचना गाना वो दिया। ऐसे नहीं हु लेट द डॉग्स आउट भाव 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 को बोले नाचना गाना दोनों सेम सेम ही है। नहीं नहीं सर, बदतमीज दिल पे और हु लेट द डॉग्स आउट भाव भाव पे नाचना और हरे कृष्णा पे नाचना, ये दो अलग अलग एक्टिविटीज है। कोई बोले नाचना गाना ही तो है जी, नहीं सर, सब कुछ अगर आप एक मान लोगे, नहीं सब कुछ एक ही होता है, नहीं सब एक नहीं है, सब अलग अलग है। तो आध्यात्मिक नाचना गाना अलग है, सांसारिक गानों पे नाचना गाना ये अलग एक्टिविटी है। पर दोनों को हम इक्वेट कर देंगे? नहीं, ये अपने भोग के लिए होता है, और जो भगवान के लिए नाचना गाना होता है ये भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। तो इसलिए दोनों को इक्वेट करना कहीं ना कहीं वो गलत है। अच्छा, और कौन को नाचे? तो चैतन्य महाप्रभु होगा, चलो ठीक है, ये तो आपके कृष्ण भगवान जी हो गए जो कि, तो वो नाचना गाना किया। और कोई नाचना गाना किया जी? यस, अगर आप जगन्नाथ जी क्रॉनिकल्स पढ़ेंगे ना, उसमें जगन्नाथ जी का जब भगवान का जो प्रसाद मिला शिव जी को, शिव जी ने नृत्य करना शुरू कर दिया, साथ में नारद मुनि ने भी नृत्य किया, पार्वती मैया ने भी नृत्य किया, ऐसा भी आता है। 11th कैंटो के 2nd चैप्टर के 40th वर्स में आता है, जब कोई व्यक्ति वाकई में भक्ति के परिकाष्ठा में होता है, आध्यात्म की पराकाष्ठा में होता है, तो ऐसे व्यक्ति आनंद में दुनिया की परवाह किए बिना नाचता है, वो बेपरवाह होकर के नाचता है वो। तो क्या नाचना गाना कोई करता है सिद्ध महात्मा पुरुष? वेल, एज पर श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 चैप्टर 2 वर्स नंबर 40, बिल्कुल नाचना गाना बिल्कुल कर सकते हैं। और अल्टीमेटली नाचना गाना कहाँ पर है? क्या आध्यात्मिक जगत में कोई नाचना गाना है? सर, रासलीला के अंदर क्या है? इट्स अ डांस पार्टी। यस, इट इज राधा कृष्ण एंड गोपीज डांस पार्टी। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा पुरुष जो सैकड़ों जन्मों की तपस्या करके अल्टीमेटली स्थान कहाँ जाते हैं? रासलीला में। इवन शिवजी, ही बिकम्स गोपेश्वर महादेव टू डांस इन राधा कृष्णस इन दिस डांस पार्टी विच इज नोन एज रासलीला, द ट्रांसेंडेंटल डांस पार्टी, दिव्य जो डांस पार्टी है। तो राधा कृष्ण परम भगवान, गोपियां इत्यादि सिद्ध महात्मा पुरुष भी नृत्य करते हैं अल्टीमेटली। वाओ, इस जगत के अंदर भी नृत्य करते हैं, व्हाई नॉट? और नृत्य हम कब करते हैं? जब हम उन्माद में होते हैं, खुश होते हैं बहुत, तो हम नृत्य करते हैं, व्हाई नॉट? इवन गुणादेव जी भी जब गए थे जगन्नाथपुरी, तो उन्होंने जब जगन्नाथ जी का मंदिर देखा तो उसमें चक्र को देख करके, सुदर्शन चक्र को देख करके गुणादेव जी भी नाचे थे। तो इसीलिए कई ऐसे महात्मा पुरुष जो कि यहाँ पे नाचे, हम जानते संत तुकाराम जी, तो वो तो अभंग भी गाया करते थे, अभंग गाते गाते हल्का हल्का नृत्य भी गा करते थे गलियों में जाकर के। तो नृत्य करना संत तुकाराम जी ने भी क्या हुआ है। तो अभी कंटेम्परेरी संत महात्माओं को देखें, एंशियंट महात्माओं को देखें, सिद्ध महात्मा पुरुषों को देखें, शिव जी को देखें या परम भगवान को देखें, नृत्य 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 नृत्य, क्योंकि भक्ति जो है सुसुखम कर्तुम अव्ययम, भगवान भगवद गीता में बता रहे चैप्टर 9 वर्स नंबर 2 के अंदर, इट इज सुसुखम। ये सुसुखम नहीं है कि आप सूख जाओगे, नहीं सर, ये सुसुखम है, कर्तुम अव्ययम, करते ही देन यू एक्सपीरियंस जॉय। और व्यक्ति जब जॉय में होता है ना, तो नकली डांस नहीं करता, ये डांस नहीं करता, वो भाई कीर्तन में डांस करता है, थक के चूर होता है वो, फिर भी नृत्य करता है। ये आनंद की ये अभिव्यक्ति है वास्तव में। तो सिर्फ ये वाला आनंद नहीं मिल रहा, ये तो हल्का वाला आनंद है, बल्कि
लोगों लगता है ध्यान वाला आनंद ही है, ये सबसे ऊंचा आनंद है। नहीं जी नहीं, असली आनंद है जब आप समाधि से उठ करके भगवान का स्मरण करते हुए उनमें चित्त लगाते हुए आप जो नृत्य करते हैं ना, अरे ये सबसे ऊंचा आनंद है। तो निराकार ब्रह्म का आनंद है वो ऐसे बैठे बैठे मिल जाता है, लेकिन ब्रह्म के आनंद से भी ऊपर जो आनंद है वो भक्ति का आनंद। और कहाँ लिखा है ऐसा? गीता के अंदर लिखा है, भगवान कृष्ण के जब शास्त्र बता रहे हैं इसके अंदर, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति। ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हो चुका है, ऐसा व्यक्ति मद भक्तिम लभते पराम, यानी मेरी भक्ति को प्राप्त करता है, और ऐसा व्यक्ति आनंद में नाचता गाता है वास्तव में। तो इसीलिए सिर्फ ब्रह्मानंद वाले जो होते हैं वो ध्यान में ही रहते हैं, वो नाचते गाते नहीं है, वो निराकार पे ध्यान लगा रहे हैं। जी निराकार में नाचना गाना क्या होगा, लेकिन निराकार के ऊपर क्या है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा के बाद अल्टीमेटली आता है मद भक्तिम लभते पराम, ऐसा व्यक्ति भक्ति कर रहा। और भक्ति में नाचना गाना होता है, फिल्मी गानों पे नाचना गाना नहीं है, ये भगवान के नाम पे नाचना गाना है ये। सो इट्स अ डिफरेंट ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी। दोनों को इक्वेट करना शोज आपकी आईक्यू इज बिलो एवरेज आईक्यू। थोड़ा सा अपना इलाज कराइए, थोड़ा ब्राह्मी का तेल लगाइए, थोड़ा शंख पुष्पी सिर्फ लीजिए, और भगवान से प्रार्थना करिए प्रभु थोड़ी बुद्धि दीजिए, ताकि हम समझ सकें कि दोनों अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, दोनों को इक्वेट करना शोज बिलो एवरेज आईक्यू। सो इसीलिए नाचना गाना इज अ स्पिरिचुअल एक्टिविटी, और ये करके कहीं ना कहीं हमने डलनेस से तमस से उससे बाहर निकलते हैं हम लोग। ऐसे हमारे यहाँ कई लोग आते हैं शाम को, यहाँ पर नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो टेंशन एंग्जाइटी में आते हैं, डल डल से होते हैं, पर कीर्तन में जब गाते हैं नाचते हैं वहीं के वहीं तर जाते हो, एकदम फ्रेश मूड के साथ घर पहुँचते हैं। तो ये भगवान के नाम पे कीर्तन करना, डांस करना, इट्स अ डिफरेंट एक्टिविटी, इट्स अ वेरी स्पिरिचुअली रेजुविनेटिंग एक्टिविटी, अपलिफ्टिंग एक्टिविटी है ये। तो इससे इसको सांसारिक नाचने गाने से इक्वेट नहीं करना चाहिए। धन्यवाद अभी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यस, एक बार फिर अमोक जी ने हमारे जो मन में सवाल था उसको जवाब दिया। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।